أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحكمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدك. मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं. और आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जांपल्स और जो हमने लॉगरिथम के जो लॉज पढ़े थे उनकी मज़ीद कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो बात शुरू करते हैं. ये मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 कल करवा दी थी और अब हम लोग एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं. सबसे पहले मुझे ये बताएं, एग्जांपल नंबर 2 को देखकर आपके माइंड में क्या ख्याल आता है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप. कि उसको किसी वेरिएबल के बराबर सपोज कर लो एंड देन उसको रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर. ये देखो, उन्होंने लेट किया y इज इक्वल टू क्या, क्यूब रूट ऑफ 0.07921 मल्टीप्लाइड विद 18.99 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5.79 रेज्ड टू द पावर 4 टाइम 0.9474. जब लेट कर लिया तो आगे वाले स्टेप में इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेके दी. यहां तक किसी बंदे को बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछो. क्लियर हो गया सबको? जरा सवाल मुझे लिखवा दो. कौन सा रूट? हक्का सोच लो. As it is, I go. Clear? So log of x. Log of x is equal to
अब इसमें एक बात तो ये है कि पहले आप पावर रूल लगाएं और 1/3 को शुरू में ले आए, लॉग ऑफ है अब लॉग अंदर जाएगा और अप्लाई होगा 1/3 बार नेगेटिव और करना है मतलब पावर रूल लगेगा अंदर भी अब जो इनके लॉग लिखने पढ़ क्या आएगा इसका क्या आएगा 2 times इसका आंसर क्या आएगा 1 point something यही है माइनस 4 times 0 point something माइनस लॉग ऑफ बार 1 point something ब्रैकेट क्लोज ये कुछ हो रहा है यहाँ चेक करो आंसर डाल दिए लॉग के इसका लॉग भी डाल दिया इसका लॉग भी डाल दिया इसका लॉग भी डाल दिया पक्का या नहीं पक्का यस रख दो उसके बाद बच्चों बात गौर से सुनते जाइएगा गौर से सुनते जाइएगा अब बेटा जी आपने करना क्या है इसको तोड़ के लिखना याद है जी। या पहले 1 मिनट इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो 4 को भी मल्टीप्लाई कर दो कर दिया अब इसको तोड़ के लिखो इसको तोड़ के लिखो इसको तोड़ के लिखो इसको तोड़ के समझो नहीं समझ आया मैं बता रहा हूँ यहाँ तक तो समझ आया इसका लॉग ये लिखा 2 वैसे अब बेटा 2 को इससे मल्टी देखो ये वही चीज डाली है इसमें कोई चेंज नहीं लाया इसको 2 से मल्टीप्लाई करो आंसर ये आएगा इसको 4 से मल्टीप्लाई करो आंसर ये आएगा ठीक है और बेटा ये वैसे ही निकाल दिया नीचे अब समझ आया तो मैं अब इसको तोड़ के लिखने लगा सुन रहे हो 1/3 ये तो मैंने लिख दिया था स्टेप और मैंने यहाँ वो नंबर नहीं डाले वो 8988 आ रहा है यहाँ पे कुछ वो तो सर डाल देना मैं तोड़ के लिख रहा हूँ 1/3 क्या आ जाएगा -2 प्लस 0.8988 क्लियर हो गया प्लस इसका इसका एक आंसर आया होगा इसको नहीं तोड़ रहा हाँ 2.5572 है ना तो ये 2 + 5572 आ जाए 0. यही आ गया -3 है ना माइनस बार देखो 3 पे बार तो नहीं है ना तो 3.0508 तो क्या जाएगा 3 + 0 ठीक है माइनस बार आया 1 तो -1 + 0. यही है ब्रैकेट क्लोज प्रॉब्लम किसी इक्वल डाला 1/3 डाला ब्रैकेट अंदर की ओपन करो -2 + 0.8988 +2 + 0.5572 -3 माइनस साइन चेंज होंगे
आगे अब बच्चे जो प्लस वाले उनको इकट्ठा कर लो। देखो ये प्लस टू ये माइनस टू काट गए, सुन रहे हो जी। ये माइनस थ्री देख रहे हो जी। ये प्लस वन देख रहे हो जी। आंसर माइनस वन आ जाए। इस नेगेटिव वाले को इस नेगेटिव वाले में ऐड करेंगे, सुन रहे हो ना जी। इस पॉजिटिव वाले को इस पॉजिटिव वाले में ऐड करेंगे, तो जरा ऐड करें 0.8986 को। गौर से सुनते जाएं आप। क्या था जी? 0.8986 में किसको ऐड किया? 0.1458 माइनस थ्री प्लस वन या डाल 1.455। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कुछ माइनस में आएगा, देखो ऊपर क्या है, माइनस 0.0508 एंड माइनस 0.9765, यही है 0.0508 माइनस था ना, ये माइनस 0.0508 माइनस वो भी माइनस 1.0273 अब इन दोनों को सिंपलीफाई करो, ये तो आज एक बार 1/3 भी देता, छुड़वा दिए मेरे से। देखो माइनस टू आ जाएगा जी। अब इन दोनों को सिंपलीफाई करो, देखो और से सुनना, 8 बड़ा यही है, क्या कर लो होल पार दोनों का सेम है जी। ये इधर 4 है उधर 0 है, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। ये प्लस में और दूसरा माइनस में 1.027। चले साइन डिफरेंट है, कैंसिलेशन करें, 8 में से 3, 15 में से 7, 8, 4 में से 2, 2, 4, 0 पॉइंट, ये प्लस का साइन आ गया, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2 प्लस 0.4285। अब देखें बच्चे ये माइनस 2 3 पे डिवाइड, तो क्या करेंगे, तो आप माइनस 2 में 1 माइनस करें 1 ऐड करें, सुन रहे हो ना। कल भी मैंने बताया था माइनस 6 था, तो मैंने 2 ऐड किया था, 2 सब्ट्रैक्ट किया था, 4285 याद रहेगा। अब गौर से सुनो, अब ये क्या चीज बन गई है, माइनस 3, माइनस 3 1 डिवाइडेड बाय 3, माइनस 3 प्लस 1.42, ये पॉजिटिव इन दोनों मैंने ऐड कर दी। अब जनाब इन दोनों को 3 पर डिवाइड करें, तो माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1.4285 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा माइनस 1, सुन रहे हो जी। प्लस क्या आ जाएगा, 3 0 द 0, 3 4 द 12, 3 7 द 21, 3 6 द 18, 3 1 द 3, 2 बचा 20, बस यहाँ तक काफी है, इसको राउंड ऑफ कर लो 0.4781 आ जाएगा। अगर कहते हो तो डिवाइड कर देता हूँ 1.4285, जीरो पॉइंट फोर सेवन सिक्स वन, ठीक है जी। मैंने 8 लिखा हुआ जी।
this 6 है 0.4761 ओके अच्छा बच्चों तो अब ये इसे क्या लिखेंगे हम लोग लॉग ऑफ एक्स आ गया क्या बार 1.47 4761 डालता ठीक है अब जनाब क्या करेंगे एक्स उधर लॉग उधर जाएगा एंटी बार 1. इसका मतलब तो समझते हो ना कि क्या करना है 10 की पावर 0.4761 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस अब ऐसे कैलकुलेट कर लो जल्दी से ये आ गया इसको 10 की पावर में ले लो 2.993 माइनस 1 पॉइंट एक प्लस पीछे जाएगा 0.299 मेरे ख्याल में आंसर निकालने में आप लोग कामयाब रहे अब ये समझ आई समझ आ गया ना फिर ना कहना बताया नहीं आगे चल दूं अब इस एग्जांपल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में आपके मुंतजर हैं गौर से देखें क्या आप इस सवाल को कोई सवाल नहीं हो सकता ये देखो इस तरह का सवाल करवा के लाया था मैं तुम्हें ये पहली एग्जांपल जो की थी बिल्कुल इस तरह की थी लड़की अध्यक्ष लॉग लिए दोनों साइडों पे मतलब क्या इसमें करेगी तो आएगा ना दूसरा सवाल देख लो ये 8th रूट है कौन सा रूट है 8th रूट ऑफ 789.5 यही है देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या था मैं दिखाता हूँ अभी तुम ये 4th रूट था ना नेक्स्ट स्टेप तो यही है ना इसका एक स्टेप पीछे वाली चीज दी और कुछ भी नहीं दी समझ आया नहीं यार फजूल में नहीं काम करते तुम लोग ये देखो ये देख रहे हो ये सवाल देख रहे हो नहीं देख रहे हो तो क्या मैंने जो भी आपको पीछे सवाल कराई एग्जांपल नंबर सिर्फ इस पे पावर है और कुछ भी नहीं देखो अगर पावर ना हो तो ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है डायरेक्ट लॉग अप्लाई करो बस क्या मुश्किल है इस सवाल में ये देखो इस तरह के दो दे दिए बीच में लॉग अप्लाई करोगे प्लस आ जाएगा बस समझ आया नहीं आया ये दोनों एक जैसे ये भी आपकी एग्जांपल से मिलता जुलता दूसरी एग्जांपल ये वाला देखो कोई फर्क है इनमें पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देना बस इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देना 0.056 की और तो कुछ भी नहीं चलो आगे अब ये आपके ये वाले चार सवाल और ये वाली एग्जांपल जरा आंखें खोल के देखते जाना एग्जांपल नंबर 3 सो ये पॉपुलेशन डिके मॉडल है अब ये आपसे कह रहे हैं कि अगर के की कीमत 2 हो कितनी इसमें के आ रहा नहीं की पावर माइनस के डी आ रहा नहीं आ रहा आ रहा अगर के की कीमत 2 हो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी तो डी की कीमत क्या होगी जब टू मेक A is equal to A not divided by 2. इसका मतलब समझते हो? A not divided by 2 का मतलब समझते हो? सारी कॉम्स हुई हुई है। चलो मैं बताता हूँ। बेटा, A not आपकी initial population थी, 200 atoms याद है? और A not by 2 का मतलब initial population का half हो जाए। मतलब कितने पीछे रह जाए 100? तो कहते हैं कि जो initial population है, उसका half करने के लिए उसका आप करने के लिए कितना वक्त लगेगा इसमें ये डीएसएल में टी है तो ये डीएसएल में टाइम है ठीक है के कांस्टेंट है तो ये आपको क्या कह रहे हैं कि अगर इनिशियल पॉपुलेशन जो थी उसका आपने हाफ करना है एएसएल में पॉपुलेशन है ए नॉट आपकी इनिशियल पॉपुलेशन है ये कांस्टेंट है
ठीक है, शुरू में ए नॉट पॉपुलेशन होगी। अगर आप चाहते हैं कि ए की वैल्यू ए नॉट का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो फिर डी की वैल्यू क्या होगी, इसमें कितना वक्त लगेगा, उसमें कितना वक्त लगेगा। सवाल समझ आया? आपको के की कीमत दी है उन्होंने, नहीं दी? मुझे दी है ना, ए की कीमत दी है नहीं दी? दी है ना यार, ए इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू, दी है ना? बोलते नहीं हो, दी है ना? ए की जगह पे ए नॉट बाय टू डाल देंगे, ए नॉट एज इट इज रहेगा, e की पावर में k की जगह पे 2 डाल देंगे, d as it is रहेगा, वही हमें फाइंड करना है। और मैं अगर आपको थोड़ा सा याद करवाऊं तो मैंने आपको एक बात कही थी, वो बात क्या थी, वो बात अभी आपके सामने आएगी कि लॉगरिथम कैन बी डिफाइंड टू एनी पॉजिटिव बेस, याद आया? जी। एंड यूजफुल फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस इन विच अननोन, जो चीज आपने मालूम करनी है वो किस में आए, पावर में। समझ आया नहीं है? अब देखे, जो चीज आपने फाइंड करनी है वो किस में आ रही है, पावर में ही आ रही है ना डी। तो यहाँ बेटा आपका लॉगरिथम जो है वो आपकी बड़ी हेल्प करेगा। तो मैं काम शुरू करूँ, केवल लिख लेता हूँ ना, के क्या है, ए की क्या वैल्यू है, फार्मूला क्या है। समझ आ नहीं आ, ले देखे, मैं गिवन लिख रहा हूँ, ए क्या है, ए नॉट डिवाइडेड बाई टू नहीं है भाई, ए नॉट इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू ए नॉट मल्टीप्लाई की बात माइनस के डी। अब k की क्या कीमत है, 2, a की क्या कीमत है, 2, और हमें d फाइंड करना है। ये फार्मूला था, सुन लो गौर से, ये तो फार्मूला है ना बेटा, ये तो फार्मूला है, इसमें k की कीमत भी दे दी, a ना a की कीमत भी दे दी और d की कीमत फाइंड करनी। सॉल्यूशन देखे, मैं यहाँ लिखूंगा विकास, a बराबर है a नॉट e की पावर माइनस, यहाँ लिखूंगा पुटिंग, ए की क्या कीमत है, ए नॉट टू आ जाएगा के की जगह, यहाँ डी आ जाएगा, पक्का? ए नॉट यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके, सुन रहे हो ना, पक्का वाला कच्चा वाला, पक्का वाला अच्छा, गौर से सुनते जाना अभी। फिर लो जी, ए नॉट नीचे आ गया, ए नॉट टू मल्टीप्लाई नॉट हो जाएगा ना, और ई की पावर माइनस टू डी, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, ऊपर वन आ जाएगा, नीचे टू आ जाएगा, ई की पावर माइनस टू डी। बेटर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वो पक्के हो? अच्छा, समझ आया नहीं है, आगे चलते हैं। फिर मैं कहूँ खाक समझ आया, इधर देखो, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ वन बाई टू, नहीं नहीं लॉग ऑफ वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस टू डी। बच्चे इस पे कोशेंट लॉ लगेगा, लॉग ऑफ वन माइनस लॉग ऑफ टू इज इक्वल टू लॉ, इस पे पावर रूल लगेगा, माइनस टू डी शुरू में आ जाएगा, लॉग ऑफ ई, पक्का? समझ आ रहा है ना? लॉग ऑफ वन कितना होता है, जीरो, माइनस लॉग ऑफ इज इक्वल टू माइनस टू डी लॉग ऑफ ई, पक्का? अच्छा जनाब, देखिए इसमें ये माइनस लॉग ऑफ टू है, माइनस टू डी लॉग ऑफ ई। जब बात सुनो, मैं अगर लॉग ऑफ ई को उधर ले, इस पूरे को उठा के उधर ले जाऊँ, उसको उठा के इधर ले जाऊँ, तो ये प्लस वाला चक्कर तो हो जाएगा ना, या माइनस को माइनस से काट भी सकता हूँ, लेकिन ले मैं ये करता हूँ, टू डी लॉग ऑफ ई इधर आ गया, लॉग ऑफ टू उधर जाके प्लस हो गया। अच्छा बेटा, मुझे तो डी फाइंड करना है, तो लॉग ऑफ ई भी नीचे जाएगा और टू भी नीचे जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा लॉग ऑफ टू डिवाइडेड बाई टू टाइम्स लॉग ऑफ ई। बेटा लॉग ऑफ टू जो है वो आपको पता है 0.3010, भूल गए हो, 0.30 और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.4343, भूल गए सारे, या खुदाया ये भूल जाते हैं। ये आ गया, इसका लॉग ले लो 0.4343, लॉग ऑफ ये पावर ई है, ई की पावर 1 का लॉग 0.4343 होता है, आयलर नंबर का लॉग जो है 0.43, बेटा उसको राउंड ऑफ किया ना,
राउंड ऑफ किया, 9 एन। चले आगे 4343, चले 2 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो क्या आ जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, बोलते नहीं। 0.3010, 3 to the 6, 4 to the 8, 3 to the 6, 4 to the 8, 0.8666। अब अल्लाह वालों 0.3010 को 0.8666 से डिवाइड कर लो, बस जी जी करते जाना। 0.3010 डिवाइडेड बाय, बोलो 0.3465 0.3465 0.34, बेटा ये आंसर 0.3465। सॉल्यूशन लिखा, फार्मूला लिखा, वैल्यूज पुट कर दी, ए नॉट इधर लाके काट दिया, ये चीज आ गई, दोनों साइडों पे लॉक ले लिए, लॉक अप्लाई किया, क्वेश्चन लॉक लगाया, अप्लाई किया, 2D पहले आ गए, समझ आया, लॉक ऑफ 1 0 होता है, बोलो ना भाई। अच्छा गौर से सुनो भाई, अब ये देखिए, ये भी माइनस लॉग ऑफ 2 है, ये भी माइनस है, मैंने कहा इसको इधर लॉग, ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर लॉग, ये प्लस हो जाएगा। अब जनाब देखिए लॉग ऑफ 2, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, ठीक है, मैंने डी फाइंड करना था उसको इधर ही रहने दिया, 2 को भी डिवाइड कर दिया और लॉग ऑफ वी को भी। अब लॉग ऑफ वी की वैल्यू पुट की है और लॉग ऑफ 2 की वैल्यू पुट की, अब नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको ऊपर रख के, इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड किया, अंदर ही आ गया